देश में एक बार फिर महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ी है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं। इंडियन ऑयल के ताज़ा अपडेट के मुताबिक नन सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर अब आपको 50 रुपये ज़्यादा देने होंगे। राजधानी दिल्ली में अब 14 किलो के सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये से बढ़कर 1053 रुपये हो गई है। फिल्मकार लीना मनी मेकलाई की फिल्म के पोस्टर का भारत में भारी विरोध हो रहा है। फिल्म के पोस्टर में मां काली की वेशभूषा में एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। देवी काली पर विवादित बयान देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर भी दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मचा है। उनकी अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कहा गया है कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इन सब के बीच महुआ मोइत्रा ने तृणमूल को ही अपने ट्विटर अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद खराब है। उनको इलाज के लिए आज शाम एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है। वह पिछले 3 दिन से पटना के पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव पारस अस्पताल पहुंचे। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने पारस अस्पताल के बाहर आकर बताया कि लालू जी की हालत अभी स्थिर है, हम लगातार उनका हालचाल पूछ रहे हैं, आज उन्हें सरकारी सुविधाओं के साथ दिल्ली भेजा जा रहा है, ये उनका अधिकार है। स्पाइसजेट के विमानों में पिछले कई दिनों से तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। मंगलवार को स्पाइसजेट के बोइंग 737 फीटर कार्गो प्लेन के वेदर रडार ने काम करना बंद कर दिया। फ्लाइट कोलकाता से चीन जा रही थी, लेकिन विमान को वापस कोलकाता भेजा गया। विमान की कोलकाता में सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। पिछले 18 दिनों में स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी की यह 8वीं घटना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर हैं। शादी की रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होंगी। 48 साल के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रजीत कौर से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई थी। पहली पत्नी से मान के 2 बच्चे हैं, वे मां के साथ अमेरिका में ही हैं। वे मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।